तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका CGL 2021 Tier 3 तक सिलेक्शन हो चुका है और उनको DV के लिए जाना है और टाइपिंग टेस्ट के लिए जाना है। तो सबसे पहले मैं DV वालों को बताना चाहूँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर रखने चाहिए, वो चीज़ पहले बताऊँगा, फिर बाद में CPT और DEXT के बारे में बताऊँगा, ठीक है। CGL के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह आपको क्या करना है, अटेंड करना है सबसे पहले। ऐसा नहीं आप जाओगे नहीं, अगर जाओगे नहीं तो डिसक्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये करा कि आपने SSC में पहले प्रेफरेंस अगर भरी है फॉर्म में, वैसे आजकल भरवाते नहीं है, पहले ही भरवाते थे, तो उनको एडिट कर सकते हो, ये लिखा है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने चाहिए, तो आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल जो आएगा, उसके बाद ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है सारे प्रिपेयर रखने हैं, 10-12 की मार्कशीट, मार्कशीट अगर BTECH किया था उनके सारे ग्रेजुएशन सेमेस्टर की मार्कशीट, अगर नहीं है तो उनका कंपाइलेशन कॉन्सोलिडेशन मार्कशीट आपको लानी है। उसके अलावा SC ST OBC का अपडेटेड जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, जो आपके नोटिफिकेशन में अक्षरों में दिया होता है, उसको उस फॉर्मेट में बनाना है। इसके अलावा देखिए एज रिलैक्सेशन जिन्होंने लिया है उसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो उनकी NOC रिक्वायर्ड है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ले लिया है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की NOC रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अलावा आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर एक्सर्वेशन हो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, आप OH हो VH हो तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए चाहिए DV में। उसके अलावा जो कह रखा है कि आपको CPT और DEXT जब हो जाएगा उसी के बाद आपका जो आपके Tier 1, 2 और 3 के जो मार्क्स बने हैं उसके बेसिस पर आपके फाइनल सिलेक्शन फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके अलावा अब देखते हैं, ये तो होगी DV के डॉक्यूमेंट्स की बात, ठीक है। उसके अलावा SSCGL में किन पोस्टों के लिए CPT मैंडेटरी है, SS है, ME है, उसके अलावा ये डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेट अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, एक्साइज PO और एग्जामिनर, इंस्पेक्टर आपको बनना है तीनों, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में, एक्साइज में, फिर एक्साइज PO और एग्जामिनर आपको बनना है, तो आपको CPT क्लियर करना पड़ेगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए नहीं करना। इसके अलावा जो TA हैं एक्साइज डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों के लिए DEXT आपको क्लियर करना है, DEXT की PT का ही पार्ट, ठीक है। इसके अलावा जो पोस्ट इनमें CPT और DEXT की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप खुश हो सकते हो, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके लिए मार्क्स आपके हाई होने चाहिए, अगर आप CPT क्लियर नहीं करते हो, कई लोग CPT में फेल हो जाते हैं इसलिए उनको ये मिलता है, उनके ना मार्क्स अच्छे होते हैं, तो ASO रेलवे, EE, ASO IB, इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट ऑफिसर, CBI ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इंस्पेक्टर, डिविजनल अकाउंटेंट, नारकोटिक्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री हैं, कुछ ASO हैं और ऑडिटर हैं, CGDA, CGA सब में, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं सर हमको कलर ब्राइंडनेस है, काफ़ी कमेंट आए थे मेरे को, सर मेरे को कलर ब्राइंडनेस है, क्या मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए, तो कलर ब्लाइंडनेस SSC ने जो नोटिफिकेशन दिया उसमें बोला है कि सिर्फ रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो सर मेरे को है कि नहीं है, तो ये फोटोज़ मैंने 2 पिक किए हैं, अगर आपको इनमें पढ़ पा रहे हो, जैसे आप पढ़ पा रहे हो ग्रीन यहाँ पर 8 बन रहा है और यहाँ पर साफ साफ 74 बन रहा है, अगर यहाँ आपको विजिबल है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है जो SSC के लिए मांगी गई है, जो SSC ने डिस्क्वालीफाई किया वो नहीं हुआ आप, ठीक है। उसके अलावा तो कलर ब्राइंडनेस अगर है तो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आप सूटेबल हो कलर ब्राइंडनेस होते हुए भी, ठीक है, बहुत कम पोस्ट हैं जिनके लिए SSC ने मना किया कि आप कलर ब्राइंडनेस नहीं होने चाहिए। उसके ये देख लो, WO पोस्ट है, कैग वाली दोनों कैग पोस्ट हैं, DOPDO, CSS है, रेलवे है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, FHQ है, ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन, अब ये सारी पोस्ट हैं आप देख लीजिएगा, इन सारों के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरी हाइट कम है, मेरे पे फिजिकल होगा नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक अलग से बनाई हुई है कि सर कौन कौन सी पोस्ट है जिन्हें फिजिकल है, तो सब इंस्पेक्टर इन CBI, सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, सब इंस्पेक्टर इन NIAN, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट हैं, इनमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपके हैं और इनमें थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, यानी इंस्पेक्टर एंड तीनों सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, तो मेल के लिए क्या मांगता है, एक 157.5 157.5 हाइट मांगी है, 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा है, महिला के लिए क्या मांगा है, 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, 48 kg वेट मांगा है, और ये आपका 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है ST के लिए और हिल्स एरिया से जो निवास करते हैं उनके लिए। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, मतलब आपको वॉकिंग करनी है 1600 मीटर 15 मिनट में, उसके अलावा साइकिल चलानी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, फीमेल के लिए ये कम है, 1 किलोमीटर चलानी 20 मिनट में और 3 किलोमीटर साइकिल चलानी है 25 मिनट में, ठीक है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर इन CBI का स्टैंडर्ड यहाँ पर अलग है, वहाँ पर हाइट इतनी थी 157.5, यहाँ पर 165 है,
150 वुमेन के लिए हाइट रिलैक्सेशन है हिल्स एरिया, और एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर का 76 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे आई पे ध्यान दिया है, जबकि यहाँ स्पेक्ट्रम में आई का आई साइड पे ध्यान नहीं देता। तो जो पीओ एक्सरसाइज और उसमें है उनकी आई साइड पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन 6x6 और 6x9 होनी चाहिए। तो हिसाब से लिखा है आपकी 6x6 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी जैसे राइट हैंडेड हो आप तो लेफ्ट आई आपकी 6x9 हो सकती है, यहाँ पर अलाउ है। और स्पेक्टिकल्स आपके अलाउ हैं, ऐसी कोई बात नहीं चश्मे अलाउ नहीं है, ठीक है चश्मे अलाउ हैं। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ पे हाइट और ज़्यादा हो गई 170 सेंटीमीटर, 150 76 सेंटीमीटर एक्सटेंशन, 6x6 एंड 6x9 का विजन। उसके अलावा एसएससी में क्या मेडिकल का टेस्ट होता है, सबको लगता है सर क्या क्या देखते हैं, हर्निया देखते हैं क्या देखते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से लिस्ट बनाई है। इससे आपको ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ब्लड प्रेशर होता है, आई टेस्ट होता है, ENT होता है, ENT क्या होता है आपके कानों का टेस्ट होता है, इसके बाद हाइट वेट होता है, ठीक है। उसके अलावा हर्निया और हाइड्रोसिल, यानी कि ये कुछ प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको प्राइवेट तरीके से चेक किया जाता है, तो ये भी कई कई जगह कराया जाता है, ठीक है। उसके अलावा स्पेसिफिक हाइट के विद ग्लास विदाउट ग्लासेस स्टैंडर्ड है, ये अलग अलग है, इसका छोड़ो। उसके अलावा जो लोग कलर ब्लाइंडनेस हैं और विजन टेस्ट हैं तो उनका विजन टेस्ट होता है और कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होता है, ठीक है। तो मैंने जितना जल्दी हो सका है इस चीज़ को कवर किया है डेवी वालों के लिए, CPT वालों के लिए। तो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं वापस से वीडियो के लिए तैयार हूँ, आपकी जो भी हेल्प होगी मैं वापस से कर पाऊँगा। थैंक यू।